What's up, y'all? My name is Ray. If you're here for the first time, welcome. And to my returning viewers, I am humbled to welcome you back for another video. Today, my friends, we're watching Panchayat, Season 3, Episode 4, titled Atma Mantan, and I am really excited. I thought Episode 3 was excellent. I love the way they're balancing the charm, humor, and lovability of the show with the immense grief and sadness we're feeling for Prahlad. It's making for a very rich and emotionally complex story, and I'm really enjoying it so far. And guys, if you enjoy hanging out today, please leave a like on this video and drop me a comment. You'll make my day. And subscribe to the channel if you're not already. We're going for 20K. Also, I have a Patreon and YouTube memberships. If you want to go above and beyond to support the channel and get access to full-length reactions and have your name in my videos, that kind of thing. And with all that said, I'm excited. I'm ready to go. So without further delay, let's watch Panchayat, Season 3, Episode 4, Atma Mantan. प्रधान जी बाकी बातें तो होती रहेंगी ये जो रोड का मैटर है ना ये वार्ड मेंबर के सामने साफ कर दीजिए नमस्ते सर साफ करने का कौन सा बात है नमस्ते नमस्ते व्हाट अबाउट द रोड अरे यही कि एमएलए की पोस्ट खाली है रोड बन ही नहीं पाएगा ये जगमोहन का पूरा बखेड़ा रोड के चक्कर में खड़ा हुआ है अब जो आप वो लोग रोड बनवा ही नहीं पाओगे तो ये बात ईमानदारी से कह देने में क्या प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आ रही ठीक है तुम ही बोल लेना काहे कि सर आजकल लोग तुम्हें ही ज्यादा सुन और समझ रहे हैं समझे अभिषेक सर सब लोग आ गए मीटिंग शुरू ही करते हैं चलो चलो Wonder if Prahlad will do the talking. पर उससे पहले प्रहलाद जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं प्रहलाद जी तो हम कह रहे थे ये सब क्या चल रहा है प्रधान जी जगमोहन की अम्मा को दिया हुआ घर भी आप पुलेरा पश्चिम को दे दिए हैं ओह वेस्ट पुलेरा ओह डैम इट क्या हुआ भूषण भाई हम बताते हैं क्या हुआ प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत 12 घर दिए गए थे ठीक है पुराने लिस्ट के मुताबिक 7 घर फुलेरा पश्चिम को और बस 4 घर फुलेरा पूरब को दिए गए 12वां घर जो था वो जगमोहन की अम्मा को दिया गया था जो कि रद्द हो गया तो कायदे से वो घर फुलेरा पूरब के किसी परिवार को मिलना चाहिए लेकिन मिला किसको अनिल को और रहता किधर है फुलेरा पश्चिम तो कुल मिला के बात ये है कि फुलेरा पश्चिम को मिले 8 घर और फुलेरा पूरब को मिले केवल 4 घर ओह कम ऑन गॉड यू सच अ पेन इन द एस पूर्वी फुलेरा से इतनी दुश्मनी का है प्रधान ऐसा काहे की है प्रधान जी प्रधान जी खुद पश्चिम से हैं तो अपना लोग में मलाई बांट रहे हैं ये प्रधान जी जो मन मर्जी करना है कीजिए लेकिन इतना खुलेआम मत कीजिए द फकिंग नर्व खा रखे हैं प्रधान जी ओह कम ऑन ए प्रहलाद भाई आप कुछ मत बोलिए आपसे कोई दुश्मनी नहीं लेकिन इस प्रधान जी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है बानराकिस पिछली बार तो रोड बनवा नहीं पाए थे और इस बार गांव में बंटवारा लगवा रहे हैं वो भी विधायक नहीं है तो रोड कौन बनाएगा तुम्हारे बाबूजी अरे बहाना के अलावा और कुछ है आपके पास बहाना काहे देंगे जब विधायक ही नहीं है तो रोड के लिए पैसा मांगने किसके पास जाएंगे तो फिर फुलेरा में रोड ही नहीं बनेगा ओह डैम इट व्हाट आर वी गोना डू विधायक जी बेल पे छूट चुके हैं विधायक से तो आप लोग पूरे गांव की लड़ाई करवा ही चुके हुए हैं प्रधान जी आप अपनी नाक की लड़ाई में पूरे गांव का बंटाधार कर रहे हैं गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं दिस फकिंग गाय नेता चाहिए ही इज मेकिंग हिज मूव ही इज मेकिंग हिज मूव प्रहलाद भाई हैं जिनके कारण आपको एको दुगो वोट मिल भी जाएगा लेकिन आपका जो लक्षण दिख रहा है ना उस हिसाब से आपको एक को दो को वोट नहीं मिलना चाहिए स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कम ऑन प्रधान जी मंजू देवी से समथिंग खेलिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग डैम डैम
That's a rough start, guys. I knew the election coming up and Bon Rakus and, you know, the villa, the house going to either East or West Pulera. I knew that was going to be a problem, but for it to escalate that bad, that quickly, that early in this episode, wow. Wow. Okay. Okay. Bon Rakus. Yeah. Yeah, let's go. इतना देर से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? ठीक है तो दे दो. हाँ भाई. हेलो. हेलो. हाँ विकास. हाँ. वीडियो ऑफिस आ रहे हो ना? ना, तुम ही लोग चले जाओ, हमारा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है. अच्छा ठीक है. कहाँ हुआ जी? बताए नहीं थे? वीडियो ऑफिस पे धरना है सहायक लोग का तनख्वाह बढ़ाने के लिए. तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं? वो हमको मन नहीं कर रहा जाने का. What's wrong, man? प्रधान जी का चिंता में मरे जा रहे हैं. Yeah. वो सब लोग पैसा वाला लोग हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा. आप अपना जिंदगी के बारे में सोचिए. ये तुम बात होते पैसा पे काहे चली आती हो? घर में चावल नहीं है कि दाल नहीं है कि पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, क्या परेशानी है तुमको? Oh, Vikas, you should go, man. You gotta look out for yourself also. You can do both at the same time. देखिए ना, आज परेशानी नहीं है, लेकिन कल को बाल बच्चा होगा, तब तो होगा ना. कोई खुशखबरी? नहीं, अभी नहीं है. पर अब सोचना तो शुरू करना होगा, नहीं तो प्रहलाद चाके जैसे ही बुढ़ारी अकेले में बिताना पड़ेगा आपको. हाँ ठीक है, चले जा, ये भी जरूरी है. अभी बताइए सर, 10,000 तनख्वाह कोई तनख्वाह होता है आज के जमाने में? आवाज नहीं उठाएंगे तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगा? अब मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, जा, कोई लोड नहीं. Man, he's only making 10,000. Sir, हम कह रहे थे कि थोड़ा एक बार प्रधान जी से हालचाल ले लेते हैं. कहे कि बन रहा का उसने कुछ ज़्यादा ही बेइज्जत कर दिया है, तो थोड़ा बहुत बेइज्जती होना भी चाहिए. काम ही ऐसा किया है, तू ही बता क्या जरूरत थी 4-8 करने की? दुनिया तो उठाएगी सवाल, क्यों नहीं उठाएगी? नहीं नहीं सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रधान जी को वोट भी तो पश्चिम से ज़्यादा मिलता है ना सर. सब लोग अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, तू भी कर. डैम. ओके. एवरीवन्स स्ट्रगलिंग. दिस इज अ टफ एपिसोड. स्नीकिंग आउट फॉर अ स्मोक. आई न्यू इट. आई गेट इट ब्रो. दैट्स टफ. Got a lot going on, man. A lot to worry about. Still cramming for the exam on top of everything. Hello. क्या कर रहे हैं प्रधान जी? मम्मी से लड़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आग लगा दिए, कैसे जीते? अरे चुपचाप लड़िए ना दोनों, घर में और भी कोई रहता है, दिमाग खराब करके रखा है. मैं चिक चिक जी चिक. तू जा रहे फकौली बाजार? फकौली बाजार किस लिए? कम से कम शांति तो मिलेगा. कैसे जा रही हो? देखते हैं, परमेश्वर चाह की स्कूटी ले लेंगे. Give her a ride. मैं छोड़ देता हूँ. Yeah. क्यों? आपको कुछ काम था वहाँ पे? Yeah.
श्योर। ऐसे ही फकोली बाजार घूम लूंगा। हम बोले थे प्रधान बनवाने के लिए। अरे नहीं बनना तो पहले बता देते। हम आते हैं। अच्छा ठीक है। I think that's a date. भरा सभा में बेइज्जत हुए हैं। बड़ा बेइज्जत हुए हैं। अगर हमारा नाम पे वोट देते और सब कुछ हमें ही करते तो आज ये नौबत ही नहीं आता। अच्छा तो इसे कहाँ अलग कर लेते हैं? कहाँ अलग कर लेते भाई? पिछले इलेक्शन में जो पश्चिम ने ज्यादा वोट दिया था तो उनके लिए ज्यादा नहीं करते? करते जरूर करते, पर ऐसा खुलेआम नहीं करते। अच्छा तो क्या करते जरा हमको भी बताइए, हम भी सुन लेते हैं क्या करते। Oh, wow. Great performances. I'm smiling even when they're fighting. I love their dynamic so much. अरे रिंकी कहाँ हो? घर में कोई रहने को ना है। और इन्हें देखो, महल खड़े करने में लगे हैं, महल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, खुद ही बनाने के लिए कहा? हम कहे थे कि रिंकी का नया रिश्ता आएगा तो उन्हें दिखाने के लिए बड़ा घर रहेगा। कहाँ है नया रिश्ता? अरे तो रिंकी शादी नहीं कर रही तो हम क्या करें भाई? हाँ तो फिर काय घर में काम लगवाए हुए हैं, बंद करवा दीजिए ना। हाँ बंद कर देंगे। हाँ करवा दीजिए, हमारा क्या है? हमें भी क्या, कर देंगे। हाँ हाँ कर दीजिए, नहीं तो ऊपर से कूद जाइए, अपने आप बंद हो जाएगा। Oh my God. Jesus, guys. कुछ बुझाती कौन जाने। Rough episode, bro. Yeah, get your extra pay, Vikas. You deserve it. Oh, my friend. Yeah. See, that balance, man, that balance they're striking between so many different emotions in this episode and in this season so far. I'm just loving it. Good for you, Vikas, sticking up with your people. I bet that's good as hell. I want it. I'm hungry. I love this little montage they're doing of Rinky and Abhishek, Prahlad, Pradhanji. This is really well done. I love this season so far. I can't stress enough. करने को तो MBA भी कर सकती हो। हाँ लेकिन आपको नहीं लगता ये बैंक पीओ उसका परीक्षा ज़्यादा आसान पड़ेगा? आसान तो कुछ भी नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जाओ तो फिर वो कठिन हो ही जाता है। वो भी है। yeah. वही मुझे लगा कि पता नहीं शादी की क्या इतनी हड़बड़ी है। अरे हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम तो मम्मी को भी बोल चुके हैं अभी हमें शादी नहीं करनी, अभी हम थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहते हैं। Okay. तो MBA की तैयारी कर लो। MBA लेकिन हो तो जाएगा ना? Yeah, you can do whatever you want. हाँ, हो जाएगा, होगा कैसे नहीं, हो जाएगा। थोड़ा फाइट रहता है, हो जाएगा। I bet you could help. 12th में मैथ्स था? हाँ। कितने मार्क्स थे? 42. क्या हुआ? कम है? ज़्यादा कम है? हाँ मतलब नहीं ठीक है, वो पढ़ाई नहीं किए थे ना इसलिए थोड़े कम है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, 10 12 में तो मेरे भी कम नंबर था। That music, that awkward music for that was great. Binod. हाँ तो खाया नहीं बना। खाया? अपना वाला चुनौती नहीं लाया? अरे हमार भूला आ गया भाई, का जाने कहा छूट गया। का करने लगे भूषण भैया? सज रहे होंगे।
हम कैसा लग रहे रे? You look good, man. Oh, bhaiya! आ रहे हैं. भाग रहे हैं भैया. Yeah, looking sharp. पिंटू की मम्मी भी आ रही हैं. हैं? भौजी क्या करेंगे विधायक जी से मिलकर? ना, बढ़िया है. आखिर प्रत्याशी तो भौजी ना है. तब क्या? विधायक जी को भी देख के लगना चाहिए कि हम लोग प्रधान जी के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार हैं. विधायक जी सच में कुत्ता मार के खाए होंगे. कोर्ट तो यह बोला है. तो बोले तो कोर्ट को. आए? आए नहीं, ये लोअर कोर्ट है. मामला अभी ऊपर की कोर्ट में जाएगा. हम लोग को क्या करना है? अब कुत्ता मार के खाए हो या सांड मार के खाए हो, हम लोग का क्या है भाई? Because he's a prick, that's why. हम लोग को उनका सपोर्ट चाहिए बस. Forming an evil alliance. I don't like it. भौजी प्रणाम. प्रणाम. प्रणाम भौजी. कुछ भी कहो, भौजी प्रधान लग तो रही. लग रही है तो बन भी जाएंगी. तो क्या, अगला प्रधान फुलेरा पूरब का ही होना चाहिए. चलिए चलिए भैया चलिए. कहाँ बैठे? अरे आ जाओ ना. आओ. Oh my God. That's a tight fit. मंगल. राम मंगल, क्या हाल है? बढ़िया प्रहलाद भाई. गांव में क्या बोल रहे हैं सब लोग? लोग प्रधान जी को गरिया रहे हैं कि पूरा पश्चिम में बंटवारा लगा दिए. Damn, प्रहलाद, you gotta do something. पर आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा. हाय, गलती तो हमारी भी है ना यार. अब प्रहलाद भाई आपको कोई क्या ही बोलेगा? He doesn't want your pity. हम भगवान हो गए क्या? Yeah, he doesn't want pity. चलते हैं प्रहलाद भाई. Come on, Prahlad. Let's go. Put the drink down for a little bit. लेकिन वेकिन कुछ नहीं. विधायक जी को फुलेरा किसी आदमी से मिलना ही नहीं है. चलिए निकलिए. छुट्टन बाबू, हम लोग दुश्मन नहीं, हम लोग दोस्त हैं. विधायक जी, आप फुलेरा में अब कौनो दोस्ती नहीं हो सकता है. बेचारे एक केस में उल्टा सीधा फंस का गए, तुम लोगों ने ट्रांसफर पलटवा दिया हैं? होने दो बाई इलेक्शन, अब बनने दो विधायक जी को विधायक, फिर दिखाते हैं तुमको रंगबाजी क्या होती है. छुट्टन बाबू, हिसाब प्रधान से करिए, पूरे गांव से क्यों कर रहे हैं? हाँ. हमको भी मौका दीजिए, हिसाब करने में आपकी मदद करेंगे. हाँ, हम लोग का भी खूब हिसाब बाकी है. मिलके करते हैं पूरा हिसाब. Here we go. This motherfucker. Pranam, sir. Pranam. ऐसे हाथ जोड़ के काहे खड़े हैं? हमसे कोई गलती हो गया क्या? बस हो गया, हाथ नीचे कर लीजिए. बैठिए. आई. ए, तुम कहाँ रहे? पीछे. आप दोनों पीछे उधर खड़े रहो. Behind that chair. He's such a prick, dude. Unbelievable. देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ रहा है. सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए प्रेशर बॉडी ये ना जाएगा जी. चुप, क्या बोल रहा है? Keep your mouth shut. Actually, I don't care. I hope you fuck it up. बड़का गोली अटकता है थोड़ा. बिनोद. पीछे पीछे जाओ. आओ आओ. हम भी. तुम भी. यहाँ यहाँ. वही वही खड़े रहो. तो मंजू देवी को हरा दीजिएगा. आपका सहयोग रहेगा तो जरूर. तो क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान ये है कि आप में और फुलेरा गांव में शांति समझौता करवाना है. और आपसे एक वादा चाहिए, जब आप विधायक बने तो फुलेरा की रोड बना दीजिएगा. तो ये सब करके तो आप लोग गांव के बड़े नेता बन जाइएगा. It's the idea. इस सब के बदले हमको क्या मिलेगा?
बदला। भाई जिदी का बदला विधायक जी। I have to spell it out for you, but yeah. तो आप तो प्रधान हो जाएंगे जी। तुम जी प्रधानपति, बहुत बढ़िया। तुम जी? हम तो उप प्रधान सोचे थे सर। हाँ। और तुम जी? उप प्रधान तो बाद में देख लेंगे, हम चाहे विनोद में कोई बन जाएगा। हाँ, है कि नहीं भूषण? हाँ, हाँ, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि हम ये बाद में तय करेंगे। विधायक जी, अगले चुनाव में प्रधान के परिवार को ऐसा पटकेंगे ना कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। Wonder who did the translation for slam dunk? फुलेरा गांव में पूरब और पश्चिम का आग हमेशा जलता रहता है। ये प्रधान ने जो काम किया है आग लगाने का, उसको उसी आग में जला देना है और उस आग से निकलेंगे आप लोग। निकलेंगे ना? निकलेंगे। निकलेंगे ना? Don't worry, Bon Rockets knows how to cause trouble, that's for sure. He'll keep up his bullshit. That's not a problem. एक दिन चले गए हैं सर, अब नहीं जाएंगे। क्यों? कोई फायदा नहीं है सर, सरकार सैलरी तब बढ़ाएगी जब सरकार का मन होगा। हाँ भाई, ऐसे ही है, दूसरों के भरोसे बैठने का पॉइंट नहीं है। इनकम बढ़ानी है तो अपना साइड में कुछ बिजनेस देख, फालतू चक्कर मत पड़। Kind of side hustle would Vikas get into, I wonder? प्रधान जी का हालचाल लिया कोई? Pradhanji is struggling. This is tough, man. What are we gonna do? Papa, चलिए खाना बन गया है। मम्मी बुला रही हैं आपको। Pradhanji is going through it, dude. Crisis of confidence and yeah, damn. Bon Rockets, god damn it. My friends, come on, Pradhan. Couple of cold beers, some good food. Hey, Pralad. मेरे क्या हुआ? वैसे तो गटर गटर पी जाते हूँ, आज क्या हुआ? हाँ? अरे बोलो भाई, हाँ दो गाली दो, सब लोग दे रहे हैं, तुम भी दो, दो उनका गाली। प्रधान जी, कुछ बात करना था आपसे। क्या बात करनी? वही वो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में जो गलती हुआ है ना, वो गलती हुआ? कौन सा गलती हो गया भाई? अब गलती तो हुआ है ना प्रधान जी। अरे गिव इट टू हिम स्ट्रेट। हम कह रहे थे कि जो 50 लाख रुपया हमको सरकारी मुआवजे से मिला है, उससे हम गांव करोड़ बनवा देते हैं और ठीक हो जाएगा, हमको लगता है सब। सरकारी काम के लिए आप क्यों दोगे पैसे? आपको अपने काम के लिए मिला है ना पहला, अच्छा इस पे आपका हक है। मेरे हम क्या करेंगे बेटा है पैसे का? अभी जिंदगी बाकी है पहला, अच्छा कब क्या जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगा प्रधान जी। रोड बनवा लेने दीजिए, इलेक्शन हार जाइएगा।
कैसे हार जाएंगे? तुम हो ना हमारे साथ? हम नहीं है प्रधान जी। का मतलब? मतलब प्रधान जी, हम इस बार पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे पहले तो हमको ये बताओ कि हम इतने बुरे आदमी हो गए हैं कि तुम हमारे साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते? आप हमारे बड़े भाई की तरह प्रधान जी, ऐसा क्या बोल रहे हैं? बड़े भाई की तरह है तो दिक्कत का है? सबको ऐसा लगेगा कि हम राहुल के नाम पे ना अपनी गलती छुपा रहे हैं। ये सब अच्छा है नहीं। Damn! Move along, move along. सराफी कहीं के प्रधान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ का बैठकी बंद करवाएं। Yeah, I bet you would. I mean, that could open the door for Vic Oss to become deputy pradhan. Damn! What a rough episode. What a rough episode. I mean, it was a brilliant episode. I really enjoyed it, but my goodness, we are going through it, aren't we? Everybody's struggling. Except Abhishek and Rinky, who had a lovely little... I mean, let's not call it a date, but man, it was pretty close to a date in Pakoli Bazaar, which was adorable. But of course, the whole episode is surrounded by not only Prahlad's grief and sorrow, but the drama surrounding the allocation of the houses between East and West Pulera and Ban Rakis, his constant meddling. Now we're seeing him really start to take a more active role in campaigning for the upcoming election, but him and his wife. This is rough. There's a lot going on. I thought it was a fantastic episode. I really enjoyed it, but I mean, I'm going to have to sit with some of the difficulties, that our characters are struggling with. That definitely, you know, you don't come away from an episode like that feeling bouncy. It was a doozy. So, I hope you guys will come back and join me for episode 5. I can't wait to get into it. I mean, I'm just loving this season. The closer we get to the election, the more my heart is racing. Now what are we going to do if Prahlad isn't deputy, Pradhan? Is Vikas, you know, does he take a step up? He needs the extra income because, you know, they're thinking about starting a family, him and his wife. So I don't know, tons more to come. It's going to be a great second half of the season. Come back and join me for that. Thank you to my patrons. Thank you to my channel members. You guys are amazing. And I'm so grateful that you really go above and beyond to support the channel. I love the community we're building. Thank you all for being here. I hope I see you all again soon. Peace out.